तुझे तो ये नैना बाबू किसी के लिए है नीले आसमानी। तू बजाती है? हमने आपका पियानो ही नहीं सुना। आप यहाँ मन मेरा महक रहा है, संभलना कहीं गश ना आ जाए। दुनिया तो कांटों का एक बन है। लाश उसकी मांगती रही कांधा, लाश उसकी मांगती रही कांधा, उम्र जिसकी कटी रिश्ते निभाते निभाते। अंदाज दिखाना शुरू कर दिया आपने। अरे साहब आप देखिए, ये घर नहीं जाएंगे। मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। आप घर नहीं जाएंगे साहब? जी नहीं, हम तो पियानो सुन के ही जाएंगे। कुकु मोरे, बॉलीवुड की पहली ऐसी डांसर जिसने 40 और 50 के दशक में हिंदी फिल्मों में कैबरे डांस नंबर को जरूरी बना दिया था। ये अपने दौर की सबसे महंगी डांसर थी और उस जमाने में एक गाने पर डांस करने के लिए ये जितनी फीस लेती थी उतनी तो कोई और कलाकार सोच भी नहीं सकता था। इनकी फीस सुनकर कई दफा कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स इनसे खफा भी हो जाते थे, लेकिन कुकु ने कभी किसी की नाराजगी की कोई परवाह नहीं की। नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। किस्सा टीवी आज आपको बताएगा कुकु मोरे की कहानी। शान और शौकत की जिंदगी गुजारने वाली कुकु मोरे कैसे अपने आखिरी दिनों में भयानक मुफलिसी का शिकार हुई, अपने कुत्तों को गाड़ी में घुमाने वाली कुकू क्यों आखिरी वक्त में दाने दाने के लिए मोहताज हो गई, चलिए देखते हैं कुकू की पूरी कहानी। मेरे घुंघरू वाले बाल हो राजा, घुंघरू वाले बाल हो। कुकू का जन्म हुआ था सन 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में। डांस का शौक कुकू को बचपन में ही लग गया था। कम उम्र से ही कुकू ने एक डांसर बनने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। कुकू चाहती थी कि एक दिन वो भारत की सबसे बड़ी डांसर बने और ढेर सारा पैसा कमाए। कुकू बड़ी हुई और उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। साल 1946 में कुकू को पहली दफा एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था अरब का सितारा। कुकू ने इस फिल्म में एक डांस नंबर किया था। पहले ही फिल्म में कुकू ने इतना जबरदस्त डांस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ कुकू के चर्चे होने लगे। कुकू को अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स ने उनके घर के बाहर लाइन लगा ली। कुकू के पास काम ही काम हो गया। उसके बाद तो कई बड़ी फिल्मों में कुकू ने काम किया। कुकू का डांसिंग स्टाइल कुछ ऐसा था कि लोगों ने इन्हें रबर गर्ल कहना शुरू कर दिया। कुकू को इतनी तेजी से शोहरत मिली कि इन्होंने फिल्मों में एक गाने पर डांस करने के बदले में 6,000 रुपये बतौर फीस वसूलने शुरू कर दिए। ये रकम उस जमाने में बहुत बड़ी मानी जाती थी। फिल्म में कुकू का डांस नंबर रखने के लिए प्रोड्यूसर्स खुशी खुशी कुकू को ये रकम दे दिया करते थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो कुकू की फीस को बहुत ज्यादा मानते थे और इस वजह से कुकू से खफा भी रहते थे। कुकू के डांसिंग स्टाइल का जादू कुछ ऐसा चला था कि 50 के दशक की लगभग हर बड़ी फिल्म में एक कैबरे नंबर जरूर होता था। खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहां कसर है। कुकू एक ऐसी कलाकार थी जो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। ये बात आपको शायद ही मालूम होगी कि प्राण साहब को बॉलीवुड में एक बड़ा अहम रोल कुकू मोरे की सिफारिश के बाद ही मिला था। इतना ही नहीं, कुकू मोरे जब एक बड़ी डांसिंग स्टार बन चुकी थी तब उन्होंने 10 साल की हेलेन को डांस करते हुए देखा था। हेलेन का डांस देखकर कुकू मोरे ने ही उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया था। हेलेन ताउम्र कुकू की एहसान मंद रही। अपने हुनर से कुकू ने खूब दौलत कमाई। उनके पास 3 मोटर गाड़ियां थी। एक गाड़ी से वे खुद चलती थी और एक गाड़ी उन्होंने अपने दोस्तों के लिए ली थी, जबकि एक गाड़ी में वो अपने कुत्तों को घुमाया करती थी।
कुक्कू के पास मुंबई में अपना खुद का बंगला भी था और ढेर सारी ज्वेलरी भी थी। वहीं कुक्कू के ड्रेसिंग सेंस के भी लोग कायल थे। कुक्कू की जिंदगी बड़ी ही शान और शौकत से गुजर रही थी, लेकिन तभी कुक्कू की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो शायद मनहूसियत का साया बनकर उनकी जिंदगी में आया था। बेशुमार दौलत, शोहरत और इज्जत कमा चुकी कुक्कू की जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था प्यार। एक डायरेक्टर ने जब कुक्कू की जिंदगी में ये कहकर दाखिला लिया कि वो उनके अकेलेपन को दूर कर देगा तो कुक्कू बेहद खुश हुई। कुक्कू ने भी अपना दिल उसे दे दिया, लेकिन देखा जाए तो यही कुक्कू की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुक्कू अपनी दौलत उस डायरेक्टर पर लुटाने लगी, इस तरह से लुटाने लगी कि धीरे धीरे उनकी दौलत खत्म होने लगी और कुक्कू को इसका पता भी ना चला। कहा जाता है कि टैक्स चोरी के मामले में एक दफा कुक्कू पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। यहीं से कुक्कू का बुरा वक्त शुरू हो गया। बुरे वक्त में सबसे पहले कुक्कू का साथ छोड़ने वाला वही इंसान था जिससे कुक्कू ने प्यार किया था। दूसरी तरफ बॉलीवुड ने भी कुक्कू से मुंह फेरना शुरू कर दिया। कुक्कू को काम मिलना बंद हो गया और फिर इसी बीच कुक्कू को मालूम चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। कुक्कू मोरे के आखिरी वक्त को याद करते हुए मशहूर हस्ती हेलेन कहती हैं कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना रहे हों, लेकिन कुक्कू ने कभी भी अपनी जिंदा दिली को छोड़ा नहीं। हर परिस्थिति में कुक्कू मुस्कुराती रहती थी, कभी किसी ने उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देखा। कुक्कू ये भी कहती थी कि आज वो जो भी भुगत रही हैं उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही हैं। जब उनके पास दौलत थी तो उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि कुक्कू के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कभी 5-स्टार होटल से खाना मंगाकर दोस्तों का पेट भरने वाली और बचा हुआ खाना फेंक देने वाली कुक्कू के दिन इतने बुरे आ गए थे कि उन्हें सब्जी वालों द्वारा फेंकी गई बासी और सड़ी हुई सब्जियों को खाकर पेट भरना पड़ रहा था। कैंसर के चलते कुक्कू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वहीं पैसों की तंगी के कारण वो अपना इलाज करा पाने के काबिल भी नहीं थी। बेचैन दिल खोई सी नजर तन्हाइयों में शाम सहर याद आती हो। 30 सितंबर 1981 कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार कुक्कू जिंदगी की जंग हार गई। बॉलीवुड ने कुक्कू को किस तरह से भुलाया था इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि कुक्कू के कफन के लिए भी चंदा मांग कर पैसे जमा किए गए थे। उनकी आखिरी यात्रा में फिल्म जगत का कोई बड़ा नाम शरीक नहीं हुआ था। कभी बॉलीवुड का चमकदार चेहरा रही कुक्कू मोरे खामोशी के साथ अनंत की यात्रा पर चली गई। किस्सा टीवी बॉलीवुड की एक दौर की महान डांसर कुक्कू मोरे को नमन करता है। जय हिंद।